तो ठीक है, एक बार फिर से करते हैं। जय आपको पहले इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर आपको अपने बारे में कुछ बताना है, फिर बताना है कि आपके साथ हुआ क्या है। वेंकटेश यार, बहुत बड़ा काम कर रहे हो नेहा और सोसाइटी के लिए। सर थैंक यू, लेकिन मैं जो भी कर रहा हूँ नेहा और उनकी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। सो नेहा, आर यू रेडी? रेप, बलात्कार, आज ये शब्द हमारे देश की वो सच्चाई है जिसे हम लोग चाहकर भी नकार नहीं सकते। हमारे देश में ऐसी कोई स्टेट, कोई सिटी नहीं है जहां रेप ना हो रहे हो। बस फर्क सिर्फ आंकड़ों का है। आज बिहार से लेकर बैंगलोर तक हर जगह रेप की खबरें आती रहती है, और ऐसे ही एक दर्दनाक हादसे के शिकार हमारे बीच मौजूद है। From Mumbai. I did my engineering from IIT Bombay. I was a topper in my batch. 2 years back, I joined a company in Bangalore. दोस्तों, रेप जैसी घिनौनी चीज के बारे में हम लोग जितनी चर्चा करें उतनी कम है, बट आज का हमारा ये विषय नहीं है। हमारा आज का विषय है कि कैसे जी पाएगी ये लड़कियां ऐसे दर्दनाक हादसों के बाद, कैसे करेगी इस समाज का सामना, कौन करेगा इनसे शादी। तो दोस्तों, ऐसे एक शख्स हमारे बीच मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने का। आप हमें बताएं, कैसे आया आपके दिल में ये नेक है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज वेंकटेश, आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन। आई जॉइन दिस एनजीओ लास्ट ईयर एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड हाउ मेनी यंग गर्ल्स हैव बीन विक्टिमाइज्ड फॉर दिस ब्रूटल एक्ट। द पुलिस एंड द लॉ आर डूइंग देयर ड्यूटी, एट लीस्ट दैट्स व्हाट दे से, बट आई बिलीव वी हैव अ रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स दीस विक्टिम्स। सो एज सून एज आई हर्ड अबाउट नेहा'स केस, I immediately decided to marry her. तो देखा आप सब लोगों ने, आज हमारे समाज को वेंकटेश जैसे नौजवानों की सख्त जरूरत। नमस्ते, मेरा नाम अभी है, मैं राजस्थान से रहने वाला हूँ और मैं पिछले 5 सालों से अपने डैड का बिजनेस संभाल रहा हूँ। मैंने ग्रेजुएशन अभी, राइट? यू हैव वेरी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल, बट वी डोंट हैव एनी जॉब फॉर यू। जी, मुझे आपके जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने बारे में नेहा जी को बता रहा था। क्यों? शादी के लिए। तो आपको इनके रेप विक्टिम होने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए? अगर आपको कोई लड़की पसंद आई और बाद में ये आपको ये पता चला कि वो वर्जिन नहीं है, तो फिर भी आप उनसे शादी करोगे? Well, I am a 21st century man, so मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। Exactly, तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे शादी करने के। वैसे भी उनके साथ जो हुआ वो जबरदस्ती थी, जिसमें ना ही उनकी मर्जी थी और ना ही उनकी गलती। Okay, वैसे, लेकिन आप उनसे शादी क्यों करना चाहते हो? जैसे नेहा जी ने बताया, वो IIT टॉपर रह चुकी है, सेल्फ डिपेंडेंट है और वो खूबसूरत भी है, तो कोई क्यों नहीं करना चाहेगा इनसे शादी। तो देखा आप सब लोगों ने, हमारी एक छोटी सी पहल ने क्या करके दिखाया है। जहां एक रेप विक्टिम से शादी करने की बात से भी लोग कतराते हैं, वहां अभी और वेंकटेश जैसे लोग सामने आए हैं और कह रहे हैं कि हाँ, मैं करूंगा रेप विक्टिम से शादी। और वो मैं शायद अपनी बात आपको ठीक से समझा नहीं पाया। मैं इनसे शादी करके इनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा। मेरी इनसे शादी करने की इच्छा इनकी बहादुरी देखने के बाद हुई है। ऐसे दर्दनाक हादसे के बावजूद वो आज टीवी शो पे आई हुई,
ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने जैसे दूसरी लड़कियों की मदद करने। इससे यही मैसेज जाता है कि उन सारी लड़कियों को इस समाज से मुंह छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं इनसे शादी करूंगा, क्योंकि मेरा वो लेवल नहीं है कि इनके लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन मैं ले सकूं। मैं तो ये भी नहीं जानता कि ये शादी में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। मैं तो बस इन्हें प्रपोज कर सकता हूँ। हो सकता है कि शायद मैं इन्हें पसंद ना हूं, बस ये उम्मीद कर सकता हूँ कि इनका डिसीजन मेरे लिए पॉजिटिव होगा। सुनिए, व्हाट्स योर डिसीजन?